राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है हमारी, आज मैं बना रहा हूँ आलू के छिलकों की पकौड़ी। छिलके से बनाई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची एंड इतना अच्छा फ्लेवर है जैसे मैंने मार्केट से लाके बनाई होगी। वेरी ट्राई, वेरी 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 अमेजिंग, मस्ट ट्राई। मैंने 3 आलू लिए हैं, इनको अच्छी तरह धो लिया है और इनको छील लूंगा मैं कुछ इस तरह। मैंने 3 आलुओं को अच्छी तरह छील लिया है, मैंने आलू के छिलकों को अच्छी तरह धोकर प्लेट में डाल दिया है। अब मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालूंगा, नमक स्वादानुसार डालूंगा, 1 चुटकी हल्दी डालूंगा, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अरारोट पाउडर। ये देखिए 1 चम्मच अरारोट पाउडर डाल दिया है। अब साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और 1 चम्मच बेसन डाल के इनको अच्छी तरह मिला लूंगा। ये देखिए, इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि आलू में वैसे पानी होता है। मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और उसमें सरसों का तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है और मैं एक एक करके इसमें आलू के छिलकों को डालता जाऊंगा। ये देखें, और मैं इसको मध्यम आंच पे पकाऊंगा। इन आलू के छिलकों की पकौड़ियों को मैं मध्यम आंच पे पकाऊंगा और हल्के हाथ से पलटे की साटे इसको पलटता रहूंगा। ये देखें, हमारे आलू के छिलकों की कुरकुरी पकौड़े तल के तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूंगा। ये देखें, हमारे आलू के छिलकों की कुरकुरी पकौड़ियां प्लेट में आ चुकी हैं, अब खाने के लिए तैयार हैं। आलू के छिलकों की कुरकुरी और स्वादिष्ट पकौड़ियां खाने को तैयार हैं। देखें, ये इनके व्यूज देखिए, बहुत बढ़िया पकौड़ियां हैं।